लूथरा शरीफ दरगाह के इंतजामिया कमेटी में विवाद की स्थिति को देखते हुए मसूरी एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया। पिछले कुछ समय से विवाद की स्थितियां निर्मित होती चली आ रही हैं, जिसे देखते हुए फिलहाल दरगाह का संचालन प्रशासन के हाथों में है और मसूरी एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है। लूथरा शरीफ दरगाह के इंतजामिया कमेटी को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद की स्थितियां निर्मित होती चली आ रही हैं, जिसे देखते हुए फिलहाल दरगाह का संचालन प्रशासन के हाथों में है और मसूरी एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसी बीच पूर्व इंतजामिया कमेटी के सदर हाजी अकबर बख्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कुछ अहम तथ्यों को सामने रखा है, जहां उन्होंने दरगाह के संचालन के दौरान किसी भी तरह के आय व्यय सहित अन्य जानकारियां एसडीएम को सौंप देने की जानकारी दी है। साथ ही दरगाह, मस्जिद और मदरसे के बैंक अकाउंट को लेकर जो रिकवरी नोटिस जारी किया गया था, उसे भी स्पष्ट किया गया है। पूर्व सदर ने बताया कि दरगाह के बैंक अकाउंट को दरगाह के नए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वही मदरसा और मस्जिद के लिए नया बैंक अकाउंट नहीं खोला गया है, जिसकी वजह से जो भी फंड या राशि है उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सका है, क्योंकि मदरसा और मस्जिद की राशि किसी और कार्य के लिए खर्च नहीं की जाती, इसलिए इसके लिए वक्फ से मार्गदर्शन मांगा गया है। क्या लगता है कि नोटिस जो रहा उनको जानकारी नहीं होने की वजह से जो नोटिस दिए हैं या क्या मामला? मेरे ख्याल से या तो उनको जानकारी नहीं हुआ होगा या समझने में या लोग उनको समझाने में कुछ कमी हुई होगी। अभी तक के वो जो बैंक खाता का चार्ज जो दिया गया है तो वैसे भी विधि अनुसार जो चार्ज दिया जाता है वो दे दिया है। जब सारे एटीएम है, ट्रांजेक्शन कार्ड है, डिपॉजिट कार्ड है, चेक बुक है, हर चीज़ हमने उनको जमा दे दिया और बैंक के विधि के अनुसार क्या है कि उस चेक में वो स्वयं एसआईजेशन हमारे जो कमेटी के एसआईजेशन पर्सन चार थे ऑलरेडी उनका साइन निरस्त हो चुका है, तो वो अपना स्पेसिमेंट सिग्नेचर स्वयं लगाते एथराइज करते हैं उनके द्वारा चेक के माध्यम से या एटीएम के माध्यम से डाल कर सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे, किसी भी बैंक में डाल सकते थे, हम उसके लिए तो बोलते नहीं। अब हमें कहा जा रहा है कि जकात और फितरा का पैसा जब हम चार्ज दे दिए हैं तो हमें कहा जा रहा है कि उसको ट्रांसफर करिए, और अगर मान लीजिए ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से अनर्गल प्रचार किया जा रहा है। जबकि आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग स्टेटमेंट देखें कि जब से हमने उनको चार्ज दिया है तब से ना तो हम उनमें डाले हैं और ना निकाले हैं, कोई तारीफ नहीं और ना उससे हमें कोई लालच नहीं है, क्योंकि उनको गरीबों का हक है। लेकिन ये बताया गया देने के बाद भी खाता में जमा नहीं, क्या मामला है? मैं सबसे पहले अपना परिचय दूँ, मैं इंतजामी कमेटी पूर्व इंतजामी कमेटी का सदर हाजी सैयद अकबर बख्शी। मैं 3 साल का कार्यकाल होने के बाद हमारे हमने वक्फ बोर्ड के आदेशानुसार विधिवत हमने अपना चार्ज मस्तूरी एसडीएम साहब को हमने 10वें महीने को हमने दे दिया। जब हमने चार्ज दिया था तो दरगाह से संबंधित सारी दस्तावेज हमने एसडीएम साहब को सौंप दिया था, जिसका हमारे पास रिसिप्ट है। साथ ही हमने एटीएम सारा दे दिया। बीच में अभी जैसे इन्होंने पूछा प्रेस के माध्यम से, ये खबर आई थी कि हमने एसडीएम साहब को पैसा नहीं दिया है, कुछ खाते का पैसा हमने दिया है। तो मामला ये था कि हमने जब चार्ज लिया तो 3 अलग अलग खाता खुला है। लूथरा शरीफ में एक समिति है, एक दरगाह इंतजाम कमेटी जो पूरा इंतजाम दरगाह का देखती है, एक मस्जिद की कमेटी होती है और एक होती है मदरसा की। तीनों का पैसा, तीनों का खाता अलग अलग हमने खुलवाया था। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।